पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे एक नया ऑप्शन आया है ई केवाईसी का। तो दोस्तों, जिसके तहत जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्टर्ड बेनिफिशरी हैं उन सभी को अपनी ई केवाईसी करवानी है। तो ई केवाईसी किस प्रकार से की जाती है वही जानकारी आज की इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप कंप्लीट ई केवाईसी करके मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो कंप्लीट देखें जिससे आप समझ पाएंगे कि ई केवाईसी आपको किस प्रकार से करनी है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आगे की कम्प्लीट जानकारी वहीं पर मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पोर्टल पर आ जाएंगे, उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किसान के आधार कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पे जो ये इमेज दिखाई दे रही है आगे वाली, ये यहाँ पे दर्ज करके सर्च पे क्लिक करेंगे। ये एक बार दर्ज कर लिए, सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों आप गेट ओटीपी नंबर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन नंबर आपने दर्ज किए, गेट ओटीपी पे आपने क्लिक किया, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी नंबर प्राप्त हो जाएंगे। वह ओटीपी नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। वह ओटीपी नंबर यहाँ पर दर्ज करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओटीपी नंबर दर्ज किया, सबमिट पे क्लिक किया तो इस प्रकार से आपको एक मैसेज मिल जाएगा। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं ई केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड, और आपका यहीं पे काम समाप्त हो जाएगा और आपकी ई केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान की ई केवाईसी की जा सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो दोस्तों, आपको कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। इसके अलावा इसके बारे में और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।